हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है समझदार लोमड़ी। एक समय की बात है, एक पंडित जी मंदिर से पूजा पाठ कर वापिस घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में एक बहुत छोटी सी नदी आती थी। अब जब पंडित जी उस नदी के पास से गुजरे, तो अचानक से नदी में से एक मगरमच्छ निकलकर पंडित जी के पैरों के पास आ गया और पंडित जी से बोला, पंडित जी, मैं आपसे एक गुहार करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगे? पहले तो पंडित जी बहुत हैरान हुए कि ये मगरमच्छ अचानक मुझसे क्या मांगने आ गया। फिर वह मगरमच्छ से बोले, बोलो क्या चाहते हो तुम? तो मगरमच्छ बोला, पंडित जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इस जंगल से दूर बड़ी नदी में छोड़कर आ सकते हैं? मैं इस नदी में नहीं रह पा रहा और इस नदी में रहकर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और मैं इस नदी के लिए बहुत बड़ा भी हूँ। यह नदी बहुत ही छोटी है, कृपया करके अगर आप मुझे बड़ी नदी में छोड़ आएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो पंडित जी बोले, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन बड़ी नदी मुझे नहीं मालूम वह कहाँ है। तो मगरमच्छ बोला, पंडित जी, इस जंगल से बाहर बड़ी नदी है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उस बड़ी नदी में छोड़ आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छोड़ कर आऊँगा? तो मगरमच्छ बोला, आप मुझे एक बोरे में डाल लेना और उसे उठाकर बड़ी नदी में छोड़ आना। तो पंडित जी इस बात के लिए तैयार हो गए। फिर वह एक बड़ा सा बोरा लेकर आए और उसमें उन्होंने मगरमच्छ से जाने के लिए कहा। फिर वह मगरमच्छ उस बोरे में चला गया और पंडित जी ने उस बोरे को उठाकर उस बड़ी नदी की तरफ चले गए। अब जब बड़ी नदी की तरफ पहुंचे, तो पंडित जी ने वह बोरा अपने कंधे से उतारकर जमीन पर रख दिया और मगरमच्छ से कहा कि अब तुम बड़ी नदी में जा सकते हो। लेकिन यह क्या, जैसे ही उस बोरे को खोला, तो वह मगरमच्छ अचानक से पंडित जी के पैर को पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत समय से भूखा हूँ। अब पंडित जी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और बोले, यह क्या, तुम तो एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही खा रहे हो। तो मगरमच्छ बोला, एहसान फरामोश, यह क्या बात हुई, भूखा प्राणी कुछ भी कर सकता है और वह अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे को मार सकता है। तो पंडित जी बोले, यह नियमानुसार नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। तो मगरमच्छ ने कहा, नहीं पंडित जी, यह कुछ भी गलत नहीं है, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए आपको मार सकता हूँ। लेकिन पंडित जी के अनुसार यह तथ्य गलत था, क्योंकि उन्होंने तो मगरमच्छ की मदद की थी। अब दोनों मानने को तैयार नहीं थे कि वह गलत कर रहा है और मगरमच्छ कह रहा था कि वह सही कर रहा है। अब दोनों को लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा निर्णय करवा दे कि यह गलत है या सही। अब पंडित जी ने मगरमच्छ को कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, अगर कोई तीसरा व्यक्ति यह बता देगा कि तुम सही कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी बात भी मान लूंगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कोई भी पक्षपात ना करे। फिर दोनों ने यह तय किया कि ठीक है, हम किसी तीन व्यक्तियों से यह बात पूछेंगे, अगर उन तीन व्यक्तियों ने मगरमच्छ को समझदार कहा और यह कहा कि वह ठीक कर रहा है, तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर उन तीन व्यक्तियों ने मेरी बात को सही कहा, तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। दोनों मिलकर एक पेड़ के पास गए। उन्हें लगा कि यह पेड़ कोई भी पक्षपात नहीं करेगा। वह पेड़ फलों से लदा हुआ था। अब पंडित जी और मगरमच्छ उस पेड़ के पास गए और बोले, क्या तुम हमारी बात को सुलझा सकते हो? तो पेड़ बोला, क्या बात है, मुझे बताओ। तो पंडित जी ने उसे सारी बात बताई। तो पेड़ बोला,
यह मगरमच्छ सही कर रहा है, क्योंकि जब मैं फलों से लदा होता हूँ तो सभी मुझ पर पत्थर मार मार कर मेरे फल खा जाते हैं और समय आने पर मुझे ही काट कर बेच देते हैं। इसीलिए यह नियमानुसार सही है और मगरमच्छ सही कर रहा है। अब पंडित जी थोड़ा उदास हो गए और बोले, हमें अब दूसरे के पास जाना चाहिए, अब वह ही हमारी सुलह करवा सकता है। अब दोनों मिलकर उस दूसरे व्यक्ति के पास गए। अब वह दूसरा व्यक्ति एक गाय थी। पंडित जी को लगा यह जानवर सही सलाह देगा और हमारा मामला सुलझा पाएगा। अब पंडित जी ने गाय के पास जाकर बोला, हे गाय माता, क्या तुम हमारी इस विपदा को सुलझा पाओगी? तो गाय माता बोली, हाँ क्यों नहीं, क्या बात है मुझे बताओ। तो पंडित जी ने उस गाय को भी सारी बात बताई। अब वह गाय बोली, नहीं पंडित जी, यह मगरमच्छ सही कर रहा है। देखो, सभी लोग मुझे दूध के लिए पालते हैं, मुझे घास खिलाते हैं, लेकिन जब मैं दूध देना बंद कर देती हूँ तो वह मुझे खुला छोड़ देते हैं और फिर उन्हें मेरा कोई भी ध्यान नहीं रहता। यह इंसान बहुत मतलबी है, यह मगरमच्छ भी सही कर रहा है। क्या तीसरे के पास जाना सही रहेगा? लेकिन यह मगरमच्छ तो मुझे खा जाएगा, अब मैं क्या करूं? लेकिन उन्होंने तो मगरमच्छ से वादा किया था कि तीसरे के पास जाने के बाद अगर बात सही रही तो वह मगरमच्छ उन्हें खा सकता है। अब मगरमच्छ बोला, क्यों पंडित जी, अब तीसरे के पास चलें? तो पंडित जी बोले, हाँ ठीक है, अब हमें तीसरे को ढूंढना चाहिए जो हमारी बात को सुलझा पाए। अब जंगल की तरफ गए तो उन्हें वहां से आती हुई एक लोमड़ी दिखी। अब पंडित जी उस लोमड़ी के पास ही गए और बोले, क्या तुम हमारी बात को सुलझा पाओगी? तो लोमड़ी बहुत ही चालाक थी, बोली, पंडित जी क्या बात है, पहले आप मुझे सही से सारी बात बताइए। अब पंडित जी ने सारी व्यथा उस लोमड़ी को बताई और बताया कि कैसे कैसे यह मगरमच्छ मुझे खाने को तैयार हो गया है। अब लोमड़ी तो बहुत ज्यादा चालाक थी। लोमड़ी बोली, पंडित जी देखो, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, क्या आप मुझे दोबारा से ऐसा करके समझाएंगे जिससे मैं आसानी से समझ पाऊं? अब मगरमच्छ तो इसके लिए फटाफट तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि यह तीसरा व्यक्ति भी मेरी ही तरफ आएगा। अब वह जल्दी से उस बोरे में घुस गया और बोला, पंडित जी आप लोमड़ी को बता दीजिए कि आप मुझे कैसे लेकर आए थे। अब पंडित जी बहुत उदास थे, लेकिन फिर भी वह लोमड़ी की बात को मान गए और बोले, देखो ये मगरमच्छ ऐसे बोरे में बंद होकर आया था। अब जैसे ही मगरमच्छ उस बोरे में घुसा तो फट से वह लोमड़ी उस बोरे के ऊपर कूद पड़ी और बोली, पंडित जी इस बोरे को जल्दी से बंद कर दो। अब पंडित जी ने फटाफट उस बोरे को बंद कर दिया। अब लोमड़ी बोली, पंडित जी आप इसे जहाँ से लेकर आए थे वहीं छोड़ाओ, क्योंकि यह मगरमच्छ बहुत चालाक है, आपको खाना चाहता था और इसे वहीं छोड़ाओ, यह वहीं के लायक ही था। अब पंडित जी लोमड़ी की बात को समझ गए। अब लोमड़ी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने वह बोरा फिर से उठा लिया और मगरमच्छ को उसी छोटी नदी में छोड़कर आ गए। देखा बच्चों, एक चालाक व्यक्ति की चालाकी को वही समझ सकता है जो अधिक चालाक होता है। जिस प्रकार वह लोमड़ी बहुत ही चालाक थी और उसने उस मगरमच्छ को अच्छे से समझ लिया और उस भोले भाले पंडित जी को मगरमच्छ की उस चालाकी से बचा लिया।